A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying about Fritz, the story given by Satyajit Ray, and we'll study part 2 of this for class 12 ISC. In this story, हम लोग ने first part में पहले ही पढ़ा था that there were two friends, Shankar and Jayanto. Jayanto जो अपनी childhood memories में बहुत ज़्यादा engulfed है and Shankar जो बहुत ही practical thinking रखता है और ये दोनों due to मतलब after a long work days आते हैं इन अ प्लेस बूंदी इन राजस्थान घूमने के लिए. ठीक है, जहां पर जयंतो जस्ट बिकॉज कि वो पहले भी वहां पर जा चुका है तो उसको अपनी बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल होती हैं. उसमें ही आल्सो गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉल फ्रिट्स जिसके साथ वो बहुत ज्यादा खेलता था बचपन में. उसके बाद जस्ट बिकॉज कि डॉग्स उसको उस डॉल को बहुत ज्यादा चेस करते हैं तो उसको उसने क्या किया, उसने उसको बरी कर दिया. ठीक है, तो हम लोग ने डॉल का डिस्क्रिप्शन तक इसमें पढ़ लिया था. वी हैव स्टडीड टिल हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉल जो आप इसमें बताया था. उसके बाद इसमें लिखा हुआ है वी कंटिन्यू फ्रॉम दिस साइड ओनली, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दैट हिज अंकल हैड रिटर्न्ड फ्रॉम यूरोप शॉर्टली बिफोर जयंतो लेफ्ट फॉर बूंदी विद हिज पेरेंट्स. ओके, तो हिज अंकल कौन यहाँ पर है, जयंतो के अंकल. वो उसी टाइम पर had returned from Europe shortly before जयंतो जब बूंदी के लिए जाने ही वाला था with his parents, उससे थोड़ा सा पहले उसके अंकल आए थे. The little old man had been bought in the village of Switzerland. The man who sold him jokingly said, और यहाँ पर little old man किसकी बात हो रही है, Fritz की बात हो रही है कि ये जो लिटिल ओल्ड मैन है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है दैट इट वॉज अ 12 इंच लॉन्ग फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन. ठीक है, जो उसके अंकल लेकर आए थे फॉर हिम फ्रॉम स्विट्जरलैंड. तो क्या कहा गया, हैड बीन बॉट खरीदा गया था एक विलेज जो कि स्विट्जरलैंड में था वहां से. द मैन Who sold him, और जो पर्सन जिसने उस फ्रिट्स को सेल किया था जयंतो के अंकल को, उसने बोला कि उसको फ्रिट्स कहते हैं, उस जो लिटिल ओल्ड मैन जो वो डॉल है. लेट मी शो यू द डॉल. हाँ ये ठीक है, स्विट्जरलैंड के जैसे मतलब सम सॉर्ट ऑफ एक स्पेसिफिक कपड़े उसने पहने थे जो उसी के ही एरिया को बिलोंग करते हैं, वहां के एरिया को बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पे क्या कहा गया, उसको फ्रिट्स कहते हैं एंड यू मस्ट कॉल हिम बाय दिस नेम, उसके अलावा वो किसी और नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. तो वो मतलब बोला गया था कि ये जिस पर्सन ने इसको बेची थी अंकल को ये वाली डॉल, तो उसके लिए यही बोलता था कि आपको भी ऐसे करके बस उसका नाम बुलाना है फ्रिट्स. तो जयंतो ने कहा मेरे पास बहुत सारे टॉयज थे जब हम छोटे थे बट माय पेरेंट्स गेव मी प्रैक्टिकली एवरीथिंग, जो भी हमें चाहिए था. जयंतो कहता है शंकर को, वो बता रहा है कि मुझे जितने टॉयज जितना भी सब कुछ चाहिए था, माय पेरेंट्स गेव मी एवरीथिंग बिकॉज आई वाज देयर ओनली चाइल्ड. क्योंकि शायद हम सिर्फ हम जस्ट बिकॉज आई वाज देयर ओनली चाइल्ड इसलिए मुझे उन्होंने सब कुछ ला करके दिया. ऑल माई डिमांड्स वर फुलफिल्ड बट वंस आई हैड फ्रिट्स, बट एक बार जब मुझे फ्रिट्स द डॉल मिल गई, या एज बॉय उसको बोला जाए, लिटिल ओल्ड मैन कहा जाए, तो वो फ्रिट्स यहाँ पर एक डॉल, द गर्ली डॉल नहीं, द मेल डॉल है. ठीक, आई फॉरगॉट ऑल अदर माई टॉयज, हम सारे अपने टॉयज को भूल गए थे. आई प्लेड ओनली विद हिम, हम सारा दिन सिर्फ फ्रिट्स के साथ खेलते थे. अ टाइम केम वेन आई बिगेन टू स्पेंड आवर्स जस्ट टॉकिंग टू हिम, और एक समय ऐसा आया कि हम फ्रिट्स के साथ बहुत ज्यादा बातें उसे करने लगे. आर कॉन्वर्सेशन हैड टू बी वन साइडेड ऑफ कोर्स बट फ्रिट्स हैज सच अ फनी स्माइल ऑन हिज लिप्स एंड सच अ लुक इन हिज आईज दैट इट सीम्ड टू मी एज ओ ही कुड अंडरस्टैंड एवरी वर्ड. और जस्ट बिकॉज की वो कॉन्वर्सेशन हमेशा वन साइडेड होती थी. ठीक है, वन साइडेड इन द सेंस की ऑब्वियसली डॉल थोड़ी ना बोल सकती है, तो लेकिन फ्रिट्स का जो फेस था वो इतना ज्यादा फनी था, उसके स्माइल इतनी ज्यादा फनी थी, उसके लुक्स जो उसके आईज में थे वो ऐसे लगते थे जैसे कि वो मेरी हर एक बात का हर एक शब्द समझ रहा हो.
Sometimes I wondered if he would actually converse with me if I could speak to him in German. Just because कि वो स्विट्जरलैंड से आया था, तो जैन तो कहते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि काश वो मेरे साथ, हो सकता है वो मेरे साथ कॉन्वर्स कर सकता अगर मैं उससे जर्मन लैंग्वेज में बात करता. नाउ इट सीम्स लाइक चाइल्डिश फैंटेसी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन थी. ओके, बट एट दैट टाइम द होल थिंग द वॉज रियल टू मी. पर उस समय मेरे लिए सब कुछ असली था. द फ्रिट्ज द डॉल वॉज ऑल्सो वेरी मच रियल टू मी, वो एकदम मेरे फ्रेंड के जैसा था. My parents did warn me not to overdo the things. मेरे parents ने मुझे warn किया कि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा excess में मत करो. Okay? Don't explain excess, don't talk to friends in excess. But I listened to no one. पर हम किसी को भी नहीं सुनते थे. I had not yet been put in a school, so I had all the time in the world for Fritz. Or sorry for the background noise. Or just because कि हम कभी भी किसी, क्योंकि हमको स्कूल में नहीं डाला गया था, इसीलिए हम अपना सारा टाइम किसको देते थे, फ्रिट्स को देते थे. जैन तो फेल्ट साइलेंट, और जैन तो उस समय शांत हो गया. आई लुक्ड एट माय वॉच. अब यहाँ पर आई कौन है, अगेन शंकर की बात हो रही. शंकर मतलब ये सारी चीजें बताने के बाद, ये कॉमा लगा हुआ है ना, तो सारी चीजें इन्वर्टेड कॉमास के बाद, जयंतो ने जब ये सारी चीजें बताई वो शांत हो गया. एंड रियलाइज्ड ही अब कितना बजा है, 9:30 बज रहा है रात का. इट वॉज वेरी क्वाइट आउटसाइड, बहुत ज्यादा बाहर शांति है. वी वर सिटिंग इन द ड्रॉइंग रूम ऑफ द सर्किट हाउस. आई माइट हैव ऑलरेडी शोन यू द सर्किट हाउस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मिलता है. लेट मी फाइंड इट. हाँ, ये होता है सर्किट हाउस. ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा गया है, एक मिनट. क्या कहा गया है इसके बाद, दैट एन ऑयल लैम्प बर्नड इन द रूम, और वहां पर एक ऑयल लैम्प रखा हुआ था. आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड टू द डॉल, और हमने, किसने, शंकर ने. एवरी टाइम सी टेक योर टेक्स्ट बुक्स, एवरी टाइम जहां पर ये कॉन्वर्सेशन आ रही है लिख दो वहां पर एस शंकर ने बोला है, ये चीज जयंतो ने बोली है, सो दैट व्हेन यू री रीड इट तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ना. बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टडी द टेक्स्ट नो मैटर आप कितनी बार भी इसको सुन लो. जयंतो वॉज स्टिल डीप इन थॉट. जयंतो अभी भी बहुत ज्यादा डीप थॉट में था, जस्ट बिकॉज कि उसने एक स्टोरी ऐसी बताई थी अपनी लाइफ की, एक पार्ट ऑफ लाइफ बताया था कि उसको, मतलब ही वॉज जस्ट, इट वुड टेक टाइम फ्रॉम हिम टू कम आउट फ्रॉम दैट मेमरीज. हिज आंसर टू माई क्वेश्चन केम सो लेट. जब उसने बोला, शंकर ने बोला कि तो उस डॉल को क्या हो गया था, तो जयंतो कहता है बहुत देर बाद उससे आंसर निकला. एंड बाय दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड टू थिंक दैट ही हैड नॉट हर्ड मी एट ऑल. और जब तक वो आंसर दे, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी बात सुनी ही नहीं है. जयंतो कहता है आई हैड ब्रॉट इट टू बूंदी, इट वॉज डिस्ट्रॉयड हेयर. और वो कहता है, जयंतो कहता है कि मैं उस डॉल को, इट यहाँ पर कौन है, किसको लेकर के आया था, डॉल को लेकर के आया था यहाँ पर, और यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई. तो शंकर पूछता है कि कैसे डिस्ट्रॉय हो गई. जैन तो कहता है, सांस लेता है वो गहरी सांस, देन वो कहता है वी वर सिटिंग आउट ऑन द लॉन हैविंग टी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पर द क्वेश्चन इज हाउ फ्रिट्स वॉज डिस्ट्रॉयड. तो ये एक रीजन, लॉन्ग में, शॉर्ट में, एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं इसको पूछा जा सकता है कि वो कैसे वो डिस्ट्रॉय हुई थी. तो वाइल दे वर हैविंग देयर टी इन द लॉन, ही हैड, हु, जयंतो हैड केप्ट द डॉल बाय माय साइड ऑन द ग्रास. वहां पर उसने क्या किया, डॉल को अपने बगल में ग्रास पे रखा. I was not really old enough to have tea. मैं बहुत बड़ा नहीं था उस समय कि मैं टी पी सकूं. ठीक है, मतलब आई वॉज नॉट सपोज टू हैव टी, बट आई इंसिस्टेड, बट मुझे वो पीनी थी टी. आई इंसिस्टेड एंड इन दिस प्रोसेस द कप टिल्टेड एंड सम ऑफ द हॉट टी फेल ऑन माई पैंट्स. और उसके बाद कुछ थोड़ा सा टी मेरे पैंट्स पर गिर गया. आई रैन टू चेंज एंड केम बैक टू फाइंड दैट फ्रिट्स हैज डिसअपियर्ड. जब मैं वहां बैठा था,
ही टॉकिंग अबाउट इयर्स बैक, जब वो छोटा था और अपनी डॉल को लेकर के बूंदी में आया था, ठीक है। वहां जब वो चाय पी रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहां पर उसके पैंट्स पे चाय गिर गई। वो गया उसको चेंज करने के लिए, और जब वो वापस आया, उसने देखा कि फ्रिट्स, जिसको उसने अपने बगल में ग्रास पे रखा था, वो वहां से गायब थी। आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड क्वाइट सून दैट अ कपल ऑफ स्ट्रे डॉग्स, फिर मैंने देखा कुछ दो स्ट्रे डॉग्स वहां पर हैं। स्ट्रे डॉग्स मीन्स स्ट्रीट डॉग्स, वर हैविंग अ नाइस टग ऑफ वॉर विथ फ्रिट्स। नाउ दिस इज टग ऑफ वॉर, एक गेम होता है वो खींचने वाला डोर को, ठीक है। दिस इज टग ऑफ वॉर, ओके। तो विथ फ्रिट्स, ऑल्दो ही डिडंट एक्चुअली कम अपार्ट, मतलब ऐसा नहीं था कि उसको टुकड़ों में तोड़ दिया था फ्रिट्स को, हिज फेस वॉज बैटर्ड। नाउ दिस इज बैटर्ड, इंजर्ड विद रिपीटेड ब्लोज और पनिशमेंट। किसी को बहुत ज्यादा हिट करो फेस पे, एकदम एकदम खूब सारे पंचेस मारो, तो उसका जो फेस बैटर हो जाता है बियॉन्ड रिकॉग्निशन, वो हो गया था। उसके क्लोथ्स टॉर्न हो गए थे। इन अदर वर्ड्स, फ्रिट्स डिड नॉट एक्सेप्ट एग्जिस्ट फॉर मी एनी मोर, ही वॉज डेड। मतलब जस्ट बिकॉज की एक प्यारी से सुंदर से एक प्यारा सा सुंदर सा डॉल था, तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज की डॉग्स ने उसके हाथ पैर बाहर नहीं निकले थे, लेकिन वो सिर्फ बियॉन्ड रिकॉग्निशन थी था, और उसके जो क्लोथ्स थे वो भी बहुत ज्यादा फट गए थे, और एंड ऑफ द डे इट वॉज बैटर्ड। देखो, अगर कोई भी डॉल को अगर बहुत ज्यादा परेशान तोड़ फोड़ दिया जाएगा तो भी वो वैसी हो जाएगी। लेट मी शो यू माई डॉल, अभी हम दिखाते हैं तुम लोगों को। अच्छा रुको, अभी दिखा देते हैं। अब इसके बाद तो जब फ्रिट्स डेड हो गई है तो फिर क्या ही फायदा। लेट मी जस्ट शो यू माई डॉल, मेरी प्यारी डॉल, ओके। नाउ दिस इज माई डॉल, ये है। कैन एनीवन सी, रुको, लेट मी शो यू। ये तब की डॉल है व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। अरे हाँ, सी, तो दिस इज माई डॉल। ये उसकी ब्लू ब्लू आईज है, ये उसकी ब्लू ब्लू आईज है इसमें, ओके। तो अभी हम इसको सुला देते हैं यहाँ पे। ये मेरी फ्रिट्स थी। हाँ, फिर तो क्या यहाँ पर बोला गया है, दैट फ्रिट्स डज डिड नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद जस्ट बिकॉज कि फ्रिट्स वाज रुइंड, उसके अकॉर्डिंग ही वाज सिंपली डेड, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद शंकर पूछता है कि फिर क्या हुआ। जेंटोज स्टोरी इंट्रीग्ड मी, नाउ जेंटो की जो स्टोरी थी उसने मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जगा दी कि अब उसके साथ हुआ क्या, व्हाट कुड पॉसिबली हैपन आफ्टर डेथ, और भाई उसके साथ इसके बाद क्या ही हो सकता था। फिर मैंने उसके फ्यूनरल के लिए अरेंज किया, तो उसको कहता है इसका क्या मतलब होता है कि तुम डॉल का फ्यूनरल कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैंने उसको यही जो डिओडोट्री है उसी के अंदर मैंने उसको बरी कर दिया। मैंने आई वॉन्टेड टू मेक अ कॉफिन, फ्रिट्स वॉज आफ्टर ऑल यूरोपियन, बट आई कुड नॉट फाइंड, मतलब आई कुड फाइंड नथिंग। मैं सोचा था उसको मैं कफन में या पूरा एक वो जो बॉक्स होता है उसमें डाल करके उसको रखूं, बट मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला, एक लिटिल बॉक्स भी नहीं मिला। सो इन द एंड मैंने उसको ऐसे ही बरी कर दिया वहां पर, जिस भी वो हालत में थी वैसे उसको बरी कर दिया। एट लास्ट द मिस्ट्री ऑफ डिओडोट्री वॉज सॉल्व। अब यहाँ पर एक और चीज पूछी जा सकती है कि वट वॉज अ मिस्ट्री ऑफ डिओडोट्री, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज राइट दीज क्वेश्चन। हो सकता है कि व्हेन आई नेक्स्ट टाइम टेक द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद ये चीजें भूल जाऊं, ठीक है। तो अभी के लिए उसको लिख लो कि एटलीस्ट भाई आपको ये चीजें पढ़नी है। वट वॉज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉल, डॉल को क्या हुआ था, वाई इट वॉज बरीड, Who ruined it? और what was the mystery of deodatry? Then उसके बाद we went to bed at around 10. उसके बाद जब 9:30 समय बज रहा था, अब बज रहा है 10. अब वापस आ जाओ करंट सिनारियो में। हम लोग का जो रूम था वो बड़ा था। Our beds had been neatly made. हम लोग के जो बेड्स थे वो साफ साफ थे, सही सही बने थे, मतलब इन द सेंस की बेडशीट सब कुछ अरेंज था, ऑर्गेनाइज था। नॉट बींग यूज टू डूइंग अ लॉट ऑफ वॉकिंग, आई वॉज फीलिंग रादर टायर्ड आफ्टर द डेज एक्टिविटी। और जस्ट बिकॉज कि हम इतना यूज टू नहीं है वॉकिंग के, तो आई वॉज टायर्ड।
पूरे दिन जितना भी घुमा फिरा उसके बाद आई वॉज टायर्ड. बिसाइड्स द बेड वॉज वेरी कंफर्टेबल. आई फेल असलीप बेरली 10 मिनट्स आफ्टर हिटिंग द पिलो. बस जैसे ही मैं बेड पे लेटा, आए यहाँ पर कौन है, आए यहाँ पर शंकर है एवरी टाइम. एक्सेप्ट जब इन्वर्टेड कॉमास की बात हो रही है, वहां पर मैंने लिख दिया है कि शंकर या जयंत जो भी बोल रहा है. उसके अलावा वेन एवर आई इज यूज इट इज शंकर. ओके तो कह रहा है कि मैं बहुत थक गया था इसलिए मैं 10 मिनट के अंदर सो गया. अ स्लाइट नॉइज वोक मी लिटिल लेटर. थोड़े समय बाद एक आवाज आई और मैं जग गया. आई टर्न्ड ऑन माय साइड एंड फाउंड जयंतो सिटिंग अप ऑन हिज बेड. मैं थोड़ा सा मुड़ा, मैंने देखा कि जयंतो जो है वो उठ करके बैठा हुआ है. ठीक है. द टेबल लैम्प ऑन बाय हिज बेड वाज स्विच्ड ऑन. टेबल लैम्प की लाइट जली हुई थी. In its light, it was easy to see the look of anxiety on his face. और उसी रोशनी में दिख रहा था that he is very much anxious, anxiety, या आप कह सकते हो that he was very much worried. वो किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान था उस समय. मैंने उससे पूछा, I asked, what is it? Are you not feeling well? क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? क्या हुआ है? Instead of answering my question, Jayanto asked me one. himself. Instead of answering my question, Jayanto asked me one himself. वो मेरे question को answer करने के बजाय उसने खुद मुझसे question पूछा. Do you think this circuit house has got small animals? तुमको ऐसा लगता है कि ये जो circuit house है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, क्या वहाँ पर छोटे-छोटे से animals भी हैं? I mean things like cat or mice. तो क्या वहाँ पर cat और mice भी हैं? इज इट आदे हियर? तो शंकर कहता है कि इट शुडेंट, आई शुडेंट बी सरप्राइज इफ इट डज. व्हाई? तो कहता है कि नहीं, हो सकता है, बट मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा अगर वो हैं भी एनिमल्स, कैट्स या फिर माइस यहाँ पर हैं भी. तो समथिंग, जयंतो कहता है समथिंग वॉकड ओवर माई चेस्ट. वो कहता है कि कुछ मेरे चेस्ट पर चढ़ा. That's what woke me. और उसके कारण मैं जग गया. Woke is the past tense of wake. तो इसलिए मैं वहां से जग गया. Rats and mice. अब देखो, या जब आप डिफरेंस देखोगे, मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, शायद I've not added any of the pictures here. ठीक है. तो rats जो होते हैं they are comparatively larger और जो माइस होते हैं दे आर कंपैरेटिवली शॉर्टर. आप देखोगे कुछ चूहे बहुत बड़े होते हैं, कुछ चूहे छोटे छोटे से होते हैं. तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, रैट्स और माइसेस में. माउस को माइस बोल रहे हैं यहाँ पर एज अ प्लूरल टर्म. ठीक है. यूजुअली कम इन थ्रू ड्रेन्स. और वो क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे ड्रेन्स नालियों में से आते हैं. बट आई हैव नेवर नोन them to climb on the bed. But मैंने कभी, हम लोग ने उनको हमेशा नीचे 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 कोने कोने जाने हुए देखा है, but we have never seen them coming on the bed and getting over or climbing over some man. तो ऐसे का हमने नहीं सुना है, ना ही कभी ये चीज देखी है. शंकर ये कहता है. ठीक है. जयंतो कहते हैं this is the second time I have been woken up. Actually the first time I heard some shuffling noise in the window. Shuffling होता है जब मान लो कि बहुत सारे आप papers लो, bag में रखो, उसको इधर उधर करो तो shuffle की noise आ रही होती है. या वो cards होते हैं, cards को shuffle करो, ऊपर नीचे करो तो जो noise आ रही होती है वहां से आती है. या घास पे, अगर dry grasses पे चलोगे आपने बहुत सारी ऐसी noises सुनी होगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है that I had heard a shuffling sound, कि मुझे कुछ ऐसी noise आ रही थी विंडो के पास से. शंकर कहता है oh if it was near the window it is more likely to be the cat. और अगर वो तुम्हें खिड़की के पास से आ रही थी तो जाहिर सी बात है कि वो कौन होगा, वो cat होगी. जयंतो कहता है yes but वो अभी भी in question था, उसको समझ नहीं आता कि what has happened with him. जयंतो then शंकर जयंतो still sounded doubtful. तो मैंने पूछा, जो शंकर ऐसे यहाँ पर लिखा है वो इसीलिए लिखा हुआ है कि शंकर ने उससे पूछा didn't you see anything after you switched the light on. तो कहता है कि शंकर पूछता उससे, क्योंकि वो अभी भी डाउटफुल साउंड हो रहा था कि उसको कंफर्म नहीं था कि वाज इट रियली अ कैट. तो वो कहता है कि शंकर आस्क्ड हिम कि तुमने कुछ देखा व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट्स.
जैन तो कहते हैं नहीं नथिंग बट देन आई डिडंट स्विच ऑन इट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग माय आईज टू टेल यू द ट्रूथ आई फेल्ट रादर स्केयर्ड एट फर्स्ट बट व्हेन आई डिड स्विच ऑन देयर वाज नथिंग टू बी सीन। तो कह रहा है कि मैंने नहीं देखा, आई हैव सीन नथिंग बट देन जब मैंने, क्योंकि और क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने लाइट्स को तुरंत नहीं स्विच ऑन किया, मैंने पहले अपनी आईज ओपन की, ठीक है, और फिर मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, फिर जब मैं उठा, मैंने अपनी लाइट, मैंने स्विच ऑन की लाइट्स, तब मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। तो शंकर कहता है दैट मीन्स वट एवर केम इन मस्ट बी इन द रूम। तो जाहिर सी बात है कि जब कुछ बाहर नहीं गया, डोर क्लोज है, तो जो भी होगा वो यहीं पर ही होगा। शंकर कहते हैं कि यहीं पर होगा। जैन तो कहते हैं वेल सिंस बोथ द डोर्स आर बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, नाउ दीज आर बोल्ट, जिसको हम लोग हिंदी की आम भाषा में कुंडी बोलते हैं। तो इसको कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज कि ये जो है ये बोल्टेड है, ये बोल्ट होते हैं, ये बोल्ट होते हैं, और अगर आपने उसको बंद करके रखा है मीन्स दे आर क्लोज्ड बोल्टेड, ठीक। तो कह रहे हैं कि क्योंकि जो दोनों डोर्स हैं, कहाँ गए, हाँ, बोथ द डोर्स आर बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड। तो आई रोज क्विकली, आई अगेन यहाँ पर कौन है, शंकर है, वो उठा एंड सर्च, उसने बेड के अंडर देखा, सूटकेस जहाँ पे रखा उसके अगल बगल देखा, एवरीवेयर जहां भी वो ढूंढ सकता था, पर उसको कुछ नहीं मिला। द डोर टू बाथरूम वॉज क्लोज, और जो डोर बाथरूम भी जाता है वो भी बंद था। मैंने उसको ओपन किया, वॉज अबाउट टू स्टार्ट अनदर सर्च, फिर मैं दोबारा से ढूंढने जा रहा था, इधर उधर और देखने जा रहा था, तो उस समय शंकर कॉल्ड, जयंतु कॉल्ड मी शंकर, और बहुत ही सॉफ्टली उसने बुलाया, तो मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया रूम में। जयंतु वॉज स्टेयरिंग हार्ड एट द कवर ऑफ हिज क्विल्ट, और वो अपना जो क्विल्ट कंबल, जो पतली वाली होती है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, कंबल या रजाई में से जो भी पतला होता है वो मुझे बता देना कि कौन सा पतला वाला होता है। तो उसको यहाँ पर क्विल्ट बोला गया है, एसी भी, व्हेन पीपल यूज एयर कंडीशनर सो उसके साथ भी दे कैन यूज क्विल्ट, ठीक, वही चीज यहाँ पर है कि वो उस क्विल्ट के ऊपर देख रहा था। अपॉन सीइंग मी ही पुल्ड अ पोर्शन ऑफ इट नियर द लैम्प, तो उसने जब देखा तो उसने उस क्विल्ट का, उस रजाई का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे लैम्प की तरफ उजेला कर, जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी थी वहां पर ऐसे करके दिखाया, और उसने कहा लुक एट दिस, इसको ऐसे करके देखो, इस कंबल को ऐसे करके देखो। आई बेंट ओवर, मैं क्लोथ को बहुत ज्यादा देखा, बहुत ज्यादा गौर से देख रहा था, आए शंकर ऑब्वियसली सो, और उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे ब्राउन सर्कुलर मार्क्स थे। अब सर्कुलर आप इसको ऐसे सेंस में भी समझ सकते हो कि ऐसे ऐसे करके किसी के पैरों के निशान ऐसे करके थे। आई सेड वेल दीज कुड बी मेड बाय कैट, और हो सकता है कि ये किसने, कैट ने की हो। जैन तो डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। इट वॉज ऑब्वियस दैट समथिंग हैड डीपली डिस्टर्बड हिम, और ये बहुत जाहिर सी बात थी, जस्ट बिकॉज की एक तो उसको फील हो रहा है कि कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर से मार्क्स कैन बी सीन, देन नो एनिमल वॉज देयर, तो ये चीजें बहुत ज्यादा शंकर को डिस्टर्ब कर रही थी। ही वॉज वेरी मच अफ्रेड, बट इट वॉज 2:30 इन द मॉर्निंग, अब रात के 2:30 बज रहे हैं। आई सिंपली हैड टू गेट अ लिटिल मोर स्लीप, और आई न्यू आई वुड जस्ट कीप फीलिंग टायर्ड, और मुझे और नींद की जरूरत थी, शंकर सोच रहा था, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाऊंगा। एंड वी हैड अ प्लान ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ साइट सीइंग द फॉलोइंग डे, तो और हम लोग का ये भी प्लान था कि नेक्स्ट डे हम लोग बहुत सारे नज़ारे देखेंगे, बहुत सारी जगहों पर जा करके घूमेंगे। सो आफ्टर मर्मरिंग अ फ्यू सूदिंग वर्ड्स, काफी ज्यादा उसको समझाने के बाद, मर्मरिंग थोड़ा धीमे धीमे बोलना, खुसफुसाना जिसे कहते हैं, डोंट वरी बोल दिया, आई एम हेयर विद यू बोल दिया, एंड हु नोज दोज मार्क्स हैव बीन ऑन योर क्विल्ट ऑलरेडी व्हेन यू वेंट टू बेड, और हो सकता है जस्ट बिकॉज की एक सर्किट हाउस है तो हो सकता है कि ये मार्क्स पहले से ही हो आपकी क्विल्ट पे। तो ये सारी चीजें मैं उसको समझा करके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, हो सकता है कि ये जो मार्क्स है पहले से ही हो, उसको इतना समझा बुझा करके मैंने लाइट्स को ऑफ किया वंस मोर, और उसके बाद मैं ले लिया। आई हैड नो डाउट दैट जयंतो हैड ओनली अ बैड ड्रीम, और मैं मुझे 100% श्योर था,
मैं इसमें बिल्कुल ही भी कोई शक नहीं था कि उसके उसको एक बैड ड्रीम आया है बस। ऑल मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड हैड अपसेट हिम, और जितनी भी मेमोरीज थी उसके चाइल्डहुड की उसने उसको बहुत ज्यादा अपसेट कर दिया है, एंड दैट वाज व्हाट हैड लेड टू हिज ड्रीमिंग ऑफ अ कैट वॉकिंग ऑन हिज चेस्ट। और जस्ट बिकॉज की उसकी जितनी भी चाइल्डहुड मेमोरीज थी उसने उसको बहुत ज्यादा अपसेट कर दिया है, बिकॉज अगेन ही हैज गॉन टू दैट प्लेस बूंदी। तो इसी के कारण उसको ऐसे ड्रीम आ रहे हैं जिसपे वो देख रहा है कि एक कैट उसके ऊपर चढ़ रही है एंड इज वॉकिंग ऑन हिज चेस्ट। आई स्लेप्ट, मैं सो गया साउंडली फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट। इफ देयर वर फर्दर डिस्टर्बेंसेस जयंतु डिड नॉट टेल मी अबाउट देम। अगर कुछ और भी उसके बाद भी इश्यूज हुए होंगे आधी रात में तो जयंतु ने वो मुझे नहीं बताए, बट आई कुड सी इन द मॉर्निंग कि वो ढंग से सोया नहीं है। Tonight I must give him one of the tranquilizers I brought with me, I thought। अब वो कहता है कि आज रात में I must give him, कल रात में नहीं कि दे दिया होता नहीं लिखा हुआ है, हम आज रात में उसको दे देंगे, surely दे देंगे कुछ pills that lessen fear or anxiety। आप इसको एक sense में एक जो दिमाग को शांत रखे या ये सब कह सकते हो कल सब सॉर्ट ऑफ स्लीपिंग पिल्स हम उसको दे दें, ठीक है, सो दैट जो हम अपने साथ लाए हैं वो हम उसको दे, सो दैट वो शांति से सो जाएगा। वी फिनिश आवर ब्रेकफास्ट एट बाय 9, हम लोग ने 9 बजे से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया एज वी हैड प्लान्ड, लेफ्ट फॉर द फोर्ट। फिर हम लोग एक किला देखने गए, अ कार हैड ऑलरेडी बीन अरेंज, इट वॉज 9:30 बाय द टाइम वी रीच्ड। हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो इट वॉज अराउंड 9:30 मॉर्निंग, ठीक है, एएम। हाँ, तो दिस वॉज 9:30 AM। देन सम ऑफ जयंतोज ओल्ड फॉरगॉटन मेमोरीज बिगैन कमिंग बैक अगेन, कुछ जयंतो की पुरानी मेमोरीज दोबारा से आ रही थी। दो फॉर्चुनेटली दे हैड नथिंग टू डू विद हिज डॉल, बस किस्मत, खुशी की बात, किस्मत की बात ये है कि वो डॉल से उसका कोई लेना देना नहीं था। इन फैक्ट हिज यूथफुल एग्जुबरेंस फुल ऑफ एनर्जी एक्साइटमेंट मेड मी थिंक इट फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट। और जैसे वो बिहेव कर रहा था जयंतो, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज जॉयफुल, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डॉल के बारे में सब कुछ भूल चुका है। देयर्स देयर्स दैट एलिफेंट ऑन द टॉप ऑफ द गेट, ही एक्सक्लेम, उसने ऐसे बोलकर ऐसे करके इशारा किया कि देखो वहां पर एक एलिफेंट है ऑन द टॉप ऑफ द गेट, मतलब गेट के आसपास कह सकते हो, ऑब्वियसली गेट के ऊपर नहीं बोल सकते। एंड द टरेट्स, टरेट्स यहाँ पर देखो, एक देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ स्मॉल टावर ऑन टॉप ऑफ लार्जर टावर और एट द कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग टिपिकली ऑफ अ कासल। लेट मी शो यू, ये होते हैं एक टावर के ऊपर अगर एक और छोटा सा टावर बना हुआ है तो दैट आर नोन एज टरेट्स, ओके। तो हाँ, आफ्टर दैट एंड हेयर इज द बेड मेड ऑफ सिल्वर एंड द थ्रोन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखो एक बेड है, वो किले में गए थे घूमने के लिए, वहां पर उन्होंने ये सारी चीजें देखी, दैट देयर इज अ चांदी का बेड एंड देयर इज ऑल्सो अ थ्रोन, राज सिंहासन। आई हैव शोन यू दैट राज, ये देखो ये भी टैरेट्स होते हैं, ठीक है, टैरेट्स होते हैं, ये रहा यहीं पे कहीं पे था, ये होता है थ्रोन, राज सिंहासन, ओके। तो एंड हियर इज अ बेड मेड ऑफ सिल्वर एंड थ्रोन, लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, आई सॉ इट द लास्ट टाइम। वो कह रहा है कि देखो ये पिक्चर देखो, मैं इसको पहले भी जब मैं लास्ट टाइम आया था मैंने यहाँ पर तभी भी देखा था, बट विद इन एन आवर उसका जो एंथुजियाज्म था इट हैड अगेन स्टार्टेड टू डिसअपियर, वो वापस जाने लगा, वो मतलब वापस से ही वॉज अगेन एनग्रॉस्ड और एंगेज्ड, सॉरी शंकर यहाँ पर जयंतो का जो एंथुजियाज्म था वो धीरे धीरे करके अगेन ही स्टार्टेड बिकमिंग क्वाइट, लेस एनर्जेटिक, लेस एंथुजियास्टिक, कम होने लगा। और मैं शंकर इतना ज्यादा एनग्रोस्ड था माई सेल्फ दैट मैंने ये चीज स्टार्टिंग में नहीं देखी, बट वाइल वॉकिंग थ्रू अ हॉल एंड लुकिंग एट द शैंडेलियर्स हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, नाउ दीज आर शैंडेलियर्स जिसको हम लोग आम भाषा में झूमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शैंडेलियर से दैट वर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, ऑब्वियसली द रूफ ये वाले साइड से,
शायद और नहीं है। हाँ तो लुकिंग एट द शैंडेलियर्स आई सडनली रियलाइज कि जैन तो मेरे साथ नहीं चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड था उस फोर्ट को देखने में। शंकर तो वो कह रहे कि मैं वहां शैंडेलियर्स देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट द हॉल। ठीक है, तो उस समय जब मुझे थोड़ी देर बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं जयंदो के साथ था, बट अभी जयंदो यहाँ नहीं है, तो वेयर इज ही? वी हैड अ गाइड विद अस, और उसके बाद हम लोग के पास एक गाइड भी था। बाबू हैज गॉन आउट ऑन द टेरेस, ही टोल्ड हैज गॉन आउट ऑन द टेरेस, ही टोल्ड मी। गाइड ने बताया कि यहाँ पर बाबू कौन है। यहाँ पर बाबू जयंतो के लिए बोल रहा है कि वो टेरेस पे गया है, उसने मुझे बताया। आई केम आउट, मैं आया हॉल से बाहर, जयंतो को देखा। ही वॉज स्टैंडिंग एबसेंट माइंडेडली वॉल के पास ऑन द अदर साइड ऑफ द टेरेस, उस छत के अदर साइड पे वो वहां बैठा है। वो वहां पर ही इज स्टैंडिंग देयर, ही डिड नॉट सीम टू नोटिस माई प्रेजेंस इवन वेन आई वेंट एंड स्टूड बिसाइड हिम। मैं उसके बगल में जाकर के खड़ा हुआ, उसके बाद भी वो ये नहीं नोटिस कर पाया कि आई एम देयर। ही स्टार्टेड वेन आई कॉल्ड हिम बाई हिज नेम, उसने बोला, ही स्टार्टेड टॉकिंग जब मैंने उसको उसके नाम से बुलाया। फिर शंकर, उसने बोला, शंकर ने बोला, व्हाट ऑन अर्थ इज द मैटर विद यू? वो कहता है, शंकर पूछता है, आई आस्क, मीन शंकर आस्क, कि जग में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? व्हाट हैज हैपेंड टू यू? व्हाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ मोरोस, इल टेम्पर्ड और फिल्ड विद डिस्गस्ट, इरिटेटेड पर्सन? इतनी सुंदर जगह पर तुम इतना ज्यादा इल टेम्पर्ड, इरिटेटेड, अजीब सा बिहेव करने वाला, मतलब क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो? व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस? आई कांट स्टैंड इट, मैं ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकता। जयंतो सिंपली सेड, जयंतो ने कहा, हैव यू फिनिश्ड सीइंग एवरीथिंग? इफ सो, अगर तुम देख चुके हो तो चलो हम लोग लेट्स, तो ऑब्वियसली घर जाने के लिए, वापस जाने के लिए। तो वो कहता है कि जयंतो ने मुझसे पूछा कि अगर हम लोग सब कुछ देख चुके हैं तो लेट्स लेट अस गो होम। हैड आई बीन अलोन आई वुड डेफिनेटली हैव स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम एट द फोर्ट। अगर मैं अकेला होता, ये बोलता है शंकर, या फील कर रहा होता है कि अगर मैं अकेला होता मैं डेफिनेटली यहाँ पर इस किले पे थोड़ा और समय बिताता। बट वन लुक एट जयंतो मेड मी डिसाइड इन फेवर ऑफ रिटर्निंग टू द सर्किट हाउस। और एक बार मैंने बस उसको, जयंतो को देखा, और मुझे ऐसा लगा कि यार अब बस घर चलते हैं, क्योंकि ही इज नॉट वेल इनफ टू मूव अराउंड और रोम अराउंड। अ रोड थ्रू द हिल्स टुक अस बैक टू द टाउन। हम लोग वापस टाउन से, उसी टाउन में वापस आ गए फ्रॉम अ हिल से गुजरते हुए। जयंतो एंड आई बोथ वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार। आई ऑफर्ड हिम सिगरेट, मैंने उसको सिगरेट दिया पीने के लिए जब हम लोग कार से जा रहे थे, पर उसने मना कर दिया। आई नोटिस्ड अ वेल्ड एक्साइटमेंट इन द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स। एक वेल्ड एक्साइटमेंट, समथिंग दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड, किसी चीज से समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा क्विक मूवमेंट्स करना, जो उसके कारण वो बहुत ज्यादा कह सकते हो एंग्शियस था, एंजाइटी बहुत ज्यादा उसके अंदर उस टाइम भरी। ही वाज पैनिकिंग। वन मोमेंट ही प्लेस्ड देन नियर द विंडो, देन ऑन द लैप, देन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स बिगेन बाइटिंग हिज नेल्स। एक बार उसने ऐसे विंडो पर हाथ रखा, ठीक है, देन अपने लैप पर रखा, देन कुछ समय बाद अपने नेल्स को बाइट करने लगा, मींस वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। जयंतो वाज क्वाइट बाय नेचर, दिस ऑड रेस्टलेसनेस इन हिम वरीड मी। जयंतो यूजुअली बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का इंसान है, पर ये जो ऑड इन द सेंस स्ट्रेंज रेस्टलेसनेस, वो परेशान हो रहा था। रेस्टफुल पर्सन बहुत ज्यादा शांत है, अभी ही इज रेस्टलेस, तो वो परेशान हो रहा था। इसके कारण आई वॉज ऑल्सो वरिड। आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स आई कुड नॉट टेक इट एनी मोर। बस 10 मिनट में उसको देखा, फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला, इट माइट हेल्प If you told me about your problem, हो सकता है कि तुम अगर मुझे बता दो तो हो सकता है कि तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाए। जयंतो shook his head. जब शंकर ने ये चीज बोली तो जयंतो ने अपना हेड शुक किया, ऐसे से करके किया। जयंतो कहता है, इट्स नो यूज टेलिंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी। ये बताने वाला ऐसा कुछ है नहीं इसमें,
कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम उस चीज को विश्वास नहीं करोगे। तो शंकर कहता है ओके, मैं नहीं, हो सकता है मैं ना विश्वास करूं, कम से कम हम लोग उस मैटर को डिस्कस तो कर सकते हैं। तो जैन तो कहता है फ्रिट्स केम इनटू आवर रूम लास्ट नाइट, और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट नाइट जो मेरे रूम में आया था वो फ्रिट्स था, एंड वो जो लिटिल मार्क्स है वो भी उसी के ही होंगे। देयर वॉज वेरी लिटिल आई कुड डू एक्सेप्ट कैच होल्ड ऑफ हिम बाय द शोल्डर्स एंड शेक हिम। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं उसके शोल्डर्स को ऐसे कर सकता था और उसको ऐसे ऐसे करके हिला सकता था कि भाई जागो, व्हाई यू आर सो मच स्लीपिंग, एंड ये ऐसी चीजें क्यों ही सोच रहे हो कि हाउ कम अ बरीड डॉल कैन कम इनटू योर रूम एंड वॉक ऑन योर चेस्ट। ऐसा कैसे ही हो सकता है? हाउ कुड आई टॉक सेंसिबली टू समवन हुज माइंड वाज ऑब्सेस्ड विद सच एन एब्सर्ड और अनरीजनेबल आइडिया। वो कह रहा है कि मैं ऐसे इंसान से सेंसिबली समझदारी वाली बात कैसे ही कर सकता हूँ जो खुद इतना ज्यादा एब्सर्व ऑब्सेस्ड है, किसी चीज में ऑक्यूपाइड है, एंगेज्ड है, इनगल्फ्ड है इतना ज्यादा, एंड दैट टू विद एन इलॉजिकल और अनरीजनेबल आइडिया जो उसके दिमाग में चल रहा है। शंकर कहता है यू डिडंट सी एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं देखा था वहां, क्या तुमने कुछ देखा था? तो कहता है नहीं, बट आई कुड डिस्टिंक्टली फील विदाउट एनी डाउट, हम इस चीज को फील कर सकते हैं कि जो भी मेरे ऊपर वॉक कर रहा था उसके पास 2 फीट थे, 4 फीट नहीं थे। ठीक है, मीन्स इट वॉज डेफिनेटली नॉट एन एनिमल, इट वॉज डेफिनेटली नॉट अ कैट, इट कुड बी सम ह्यूमन बींग, उसके 2 पैर थे। एज वी गॉट आउट ऑफ द कार, जैसे हम लोग कार से बाहर निकले टू द सर्किट हाउस, आई डिसाइडेड कि जैन तो मस्ट बी गिवन अ नर्व टॉनिक, कि थोड़ा सा उसका स्ट्रेस जो वो कम हो वैसे करके उसको कुछ दवा पिलानी चाहिए, ट्रैंक्विलाइजर जिससे उसका डर कम हो या थोड़ा सा दिमाग शांत हो, वो उसको नहीं शायद काम करेगी। ठीक है, आई कुड नॉट अलाउ 37 ओल्ड ईयर सॉरी 37 इन द सेंस, यहाँ पर वो जैनतो की बात कर रहा है, हु इज 37 ईयर ओल्ड मैन टू बी सो अपसेट बाय सिंपल मेमोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उसकी चाइल्डहुड की एक छोटी सी मेमोरी से, जस्ट बिकॉज की वो फ्रिट्ज और उसको बरी करने वाला जो सीन है उससे मैं इसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं देख सकता। तो आई से जैनतो अपॉन रीचिंग आर रूम, जैनतो को हम लोग रूम में पहुंचे, हमने जैनतो से बोला कि देखो 12 बज रहे हैं, 9:30 बजे गए थे, 12 बज रहे हैं, शुड वी नॉट बी हैविंग थिंकिंग ऑफ हैविंग अ बाथ। तो कहता है कि चलो क्या हम लोग नहा ना ले? तो जैन तो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ पहले, एंड फ्लंग हिमसेल्फ फोर्सफुली ऑन द बेड। और उसने क्या किया कि उसने जैन तो ने शंकर से बोला तुम जाओ, हम उसके बाद क्या किया वो बेड पे लेट गया, मतलब गिर गया या लेट गया। आई एन आइडिया केम टू माई माइंड इन द बाथ, परहैप्स दिस वॉज द ओनली वे टू ब्रिंग जैन तो बैक टू नॉर्मलसी। और उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब जो आइडिया आया दैट ऑल्सो कैन बी अ क्वेश्चन, वट आइडिया केम इन टू द माइंड ऑफ जैन तो सॉरी शंकर टू मेक जैन तो ब्रिंग बैक टू नॉर्मलसी। नॉर्मल नॉर्मलसी मीन्स द स्टेट ऑफ बींग नॉर्मल। तो क्या आइडिया था वो? इफ द डॉल हैड बीन बरीड समवेयर 30 ईयर्स अगो, अगर 30 साल पहले कोई डॉल यहाँ पर बरी की गई थी और किसी को उसका एग्जैक्ट स्पॉट पता है, ऑब्वियसली डियोड्री के नीचे जैनतो को पता है उसने कहाँ पर उसको बरी किया था, तो ये पॉसिबल है कि हम उस ग्राउंड को वहां पर डिग कर लें। नो डाउट मोस्ट ऑफ इट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, हो सकता है कि काफी चीजें भाई डिस्ट्रॉय हो सकती हो गई हूँ, क्लोथ्स होते हैं, एवरीथिंग वुड बी देयर, बट कुछ तो मिलेगा। इट वॉज लाइकली वी वुड फाइंड जस्ट अ फ्यू थिंग्स, कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो एक आध चीज जो कभी खराब नहीं हो सकती वो तो मिलेगी। इफ देवर मेड ऑफ मेटल, जैसे कि बकल बेल्ट के जो बकल्स होते हैं वो, या फिर जो ब्रास बटन होते हैं जैकेट्स के वो इसमें मिल सकते हैं। नाउ दीज आर द ब्रास बटन, ये ठीक है, जैसे आपके जीन्स के भी बटन होते हैं, एक ही बटन होता है उसमें तो यूजुअली जहां जहां बटन लगे होते हैं, तो वो सब ब्रास बटन होते हैं वो भी मिल सकते हैं। दिस इज पॉसिबली अगर हम उसको डिक करें तो ये हमें मिल जाएगा। आई इफ जैनतो कुड एक्चुअली बी शोन कि भाई दैट वॉज ऑल लेफ्ट ऑफ हिज प्रीशियस डॉल, वो शायद
जो उसके दिमाग में वियर्ड नोशंस या वियर्ड बिलीव्स आ रहे हैं कि भाई ये उसकी मान्यता है कि ऐसा ही हुआ होगा, तो ये सारी चीजें हो जाए खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज ये जो स्ट्रेंज ड्रीम्स हैं ये उसको हर बार आएंगे, हर रात आएंगे। ही विल टॉक ऑफ फ्रिट्स वॉकिंग ऑन हिज चेस्ट, और वो फिर से फ्रिट्स की बात करेगा, दैट वॉज ही बिलीव्स दैट वॉज वॉकिंग ऑन हिज चेस्ट, इफ दिस काइंड ऑफ थिंग। हाँ, इफ दिस काइंड ऑफ थिंग वॉज अलाउड टू कंटिन्यू ही माइट गो टोटली मैड, और हो सकता है कि अगर ये सारी चीजें कंटिन्यूड रही, अगर हम उसको ठीक नहीं कर पाए, तो वो ही वुड गो मैड। जेंटो सीम्ड टू लाइक माई आइडिया एट फर्स्ट, पहले उसको उसको अच्छा लगा मेरा आइडिया कि ठीक है भाई बड़ी करके एक बार चेक कर, सॉरी डिक करके एक बार चेक कर लो। बट आफ्टर अ लिटिल वाइल उसने बोला, कौन करेगा डिगिंग, वेयर विल यू फाइंड अ स्पेड। नाउ स्पेड इज दैट जिससे हम लोग खुदाई करेंगे, एक्चुअली दिस इज अ स्पेड, ठीक है, हिंदी की लैंग्वेज में बहुत अच्छा सा टर्म होता है, आई विल नॉट यूज हेयर। आई लाव्ड, तो उसने बोला, मुझे हंसी आ गई उस चीज पे शंकर को, उसने कहा कि भाई देर इज अ गार्डन, तो वहां पर जाहिर सी बात, इट इज बाउंड दैट देर विल बी अ गार्डनर, जाहिर सी बात है कि वहां पर एक गार्डनर भी होगा, एंड दैट वुड मीन, और इसके मतलब ये भी है कि वहां पर एक स्पेड भी होगी। इफ वी ऑफर, अगर हम उसको थोड़ा सा लिटिल टिप दे दें, थोड़ा पैसा दे दें, 10-20-50 रुपए दे दें, आई हैव नो डाउट दैट ही वुड हैव नो ऑब्जेक्शन टू डिगिंग अप अ बिट ऑफ द ग्राउंड नियर द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट फार एंड ऑफ द लॉन। ये जो लॉन है इसके एकदम लास्ट के एरिया में जहां पर वही डियोडेड ट्री है, वहां से जहां पे ट्रंक है उसकी, वहां पर अगर हम उसको थोड़ा सा पैसा दे, थोड़ी सी टिप दे, तो हमें नहीं लगता कि उसको इस चीज से कोई भी आपत्ति, कोई भी ऑब्जेक्शन होगा। जेंटो डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया इमिडिएटली, नॉर डिड आई से चपातीज विथ मीट करी, ऑल्दो वे, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, कुछ एरर तो मेरे से, मैं बुक ऑन, ओके क्या इसमें लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट रीड इट आउट, हो सकता है कि इसके टेक्स्ट में कुछ इश्यूज हो गए हों। हाँ, जेंटो एंड नॉर डिड आई से एनीथिंग फर्दर, ही वेंट एंड हैड हिज बाथ विद अ लिटिल बिट ऑफ पर्सुएशन। ये शायद ये वाला जो पार्ट है ये कहीं चला गया है या फिर हट गया है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि उसने पहले मेरा आइडिया नहीं एक्सेप्ट किया, ओके, बीच में थोड़ा सा टेक्स्ट इसका गायब है, तो उसमें आई एम रीडिंग इट आउट फ्रॉम द टेक्स्ट पार्ट ओनली। पहले उसको नहीं ये आइडिया समझ में आया, ही वेंट, और फिर वो चला गया, उसने आया, एंड आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ पर्सुएशन, जब मैंने उसको थोड़ा समझाया उसके बाद वो मान गया। एट लंच, और लंच में उसने कुछ नहीं खाया, उसने क्या खाया, ही ओनली हैड सम कपल ऑफ चपातीस, कुछ उसने दो रोटी खाई और मीट करी खाई, बल्कि वो इस फूड के बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ था दिस फूड के, बट स्टिल ही हैड सम मोर ऑफ द, उसने सिर्फ दो ही रोटी खाई, और मैंने उसको कुछ ज्यादा इससे ज्यादा बोला भी नहीं। आफ्टर लंच वी वेंट, हम लोग बैठे जाकर के केन चेयर्स पे, वही केन चेयर्स आई हैव शोन यू, वेरांडा पे, दैट ओवरलुक्ड द गार्डन, जिससे हमें गार्डन का एरिया शो होता था, दैट देयर अपीयर टू बी नो वन एल्स इन द सर्किट हाउस, सर्किट हाउस में और कोई भी नहीं था उस टाइम पर, देयर वाज समथिंग एरी अबाउट द साइलेंस दैट आफ्टरनून, और उस समय देयर वाज समथिंग वेरी मच फ्राइटनिंग इन दैट आफ्टरनून, उस वहां का जो आवाज थी, All we could do here, जो भी चीज हम सुन सकते थे वो क्या थी, that was a noise made by a few monkeys जो गुलमोहर ट्री में बैठे हुए थे, across that cobbled path I have already shown you, ये जो एक kind of पत्थर होते हैं उनको हम cobbles कहते हैं, ये वाले पत्थर, और इसी path पर ही क्या बोला गया यहाँ पर, that जो भी उस पार, ये जो अगर मान लो ये कॉबल्ड पाथ है, तो उसके उस पार जहां पर वो वाला ट्री था वहां पर ही मंकीज जो थे वो आवाज कर रहे थे। 3 बजा, ठीक है, 12 बजे लोग घर आए, 3 बजा वी सॉ मैन, हम लोग ने देखा एक मैन को गार्डन में, ही वॉज कैरिंग अ वॉटरिंग कैन, वो अपने साथ एक पानी वाला भी सामान लेकर के जा रहा था जिसे वो पानी डालते हैं पेड़ों में।
ही वॉज एन ओल्ड मैन. उसके हेयर मुस्टैचेस और जो साइड बर्न्स हैं वर ऑल वाइट. नाउ साइड बर्न्स क्या होते हैं, ये जो आपकी कलमें होती हैं, मुझे कल ही पता चला कि साइड बर्न्स कलमों को कहते हैं, जो ये वाली कलमें होती हैं जो सबकी होती हैं थोड़ी बहुत, तो ईयर के नीचे वाले जो हेयर होते हैं दोज आर साइड बर्न्स. ओके, जैंतो ने बोला, विल यू आस्क हिम और शुड आई, क्या तुम मुझसे पूछोगे या मैं पूछूं. एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम जैंतो आई रेज अ रीअश्योरिंग हैंड. भाई शंकर वॉज वेरी मच हैप्पी कि चलो एटलीस्ट माना तो ये, एंड वेंट स्ट्रेट टू द गार्डन. और मैं सीधे गार्डन, रीअश्योरिंग हैंड आई रेज ऐसे करके कि ठीक है मैं जा रहा हूँ. अच्छा रीअश्योर करता है वो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ. एंड उसने क्या किया, उसने ही वेंट टू द गार्डनर आफ्टर आई हैड स्पोकन टू हिम एंड ही लुक्ड एट मी रादर सस्पिशियसली. जब मैंने उससे ये चीज बोली कि भाई ये वाला एरिया जो है उसको डिक करना है, तो वो मुझे ऐसी शक भरी निगाहों से देख रहा था. क्लियरली नो वन हैड एवर मेड सच अ रिक्वेस्ट, कि कभी किसी ने ऐसे करके रिक्वेस्ट नहीं की होगी कि भाई हमको 12-13 इंचेस बस खोदना है नीचे. वेन वाई बाबू, जो गार्डनर है, देखो यहाँ पे जी लिखा है, जी का क्या मतलब है, यहाँ पर वो पूछ रहा है, गार्डनर पूछ रहा है शंकर से कि तुमको क्यों खुदवाना है. तो आई लेड अ फ्रेंडली हैंड ऑन हिज शोल्डर, और मैंने उसके शोल्डर पे ऐसे करके हैंड रखा और मैंने बोला, शंकर ने बोला, डोंट वरी अबाउट द रीजन, आई गिव यू 5 रुपीज, प्लीज डू एज यू आर टोल्ड. मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड जमाने की है, तो 5 रुपीज उस समय के लिए बहुत सफिशियंट थे. और प्लीज इतना कर दो जितना तुमसे बोला जा रहा है. ही रिलेंटेड, तो उसने जो अपना हार्श एटीट्यूड था उसको गिव अप किया. ही वॉज कन्विंस्ड, मतलब वो ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल, गोइंग सो फार एज टू गिव मी अ सल्यूट अकम्पनीड बाय अ ब्रॉड ग्रिन. वो थोड़ा सा दूर गया वहां तक जहां से ही कैन गिव मी अ सल्यूट और ही कैन गिव मी अ वेव. ठीक है, दैट वॉज अकम्पनीड बाय अ ब्रॉड ग्रिन, जहां से वो मुझे एक ब्रॉड ई वाली स्माइल भी दे रहा था. आई बिकंड मीन्स आई जेस्टर्ड और कॉल्ड जैन, तो ऐसे करके मैंने उसको बुलाया जो कि वरांडा में बैठा था. वो उठा, ही हैड वॉक इन, बिगैन वॉकिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आया. As he came closer, I saw a paler on his face. मैंने उसके फेस पर, जैसे वो पास में आ रहा था, जस्ट बिकॉज ही वॉज सपोज टू डिग, गार्डनर वॉज सपोज टू डिग. अब जैंतो को बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि यार उसकी इतने समय ओल्ड बरी डॉल इज गोइंग टू कम आउट. तो वहां पर उसके फेस पर एक अनहेल्दी पेल अपियरेंस हो गया था. पेल अपियरेंस का आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. अगर घर वाले आपको बुलाते हैं कि इधर और जरा कुछ बात करनी है, ठीक है, तो वो जो दो लाइनें की इधर आओ जरा कुछ बात करनी, उसके बाद जो आपका फेस वैसे करके येलो हो जाता है, दैट इज अ पेलर फेस. आई डिड होप, मैंने ये सोचा, शंकर ने ये सोचा, ही वॉज होपिंग कि हम लोग को एटलीस्ट कुछ पार्ट ऑफ द डॉल तो मिल ही जाएगा. द गार्डनर इन द मीन टाइम हैड फेच्ड अ स्पेस, तब तक उसने जो वो स्पेड थी उसका अरेंजमेंट किया. तीनों डियोडर ट्री की तरफ जा रहे थे. जैंतो पॉइंटेड एट द ग्राउंड, उसने ग्राउंड पे पॉइंट किया, अबाउट अ यार्ड फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से एक इतना हिस्सा दूर हो करके जहां पर वो ए पॉइंट था, जहां पर इन द सेंस ने डिक किया होगा उसको. और वो यार्ड, एक यार्ड कितना एरिया, दिस वॉज 0.9144 meters, अराउंड 1 meter कह सकते हो थी. ठीक है, और उसने कहा कि यहाँ पर आपको डिक करना है. ट्रंक, ट्रंक ये होती है ये ट्री का जो ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, दैट इज ट्रंक. तो इस ट्रंक के करीबन 1 meter की दूरी पर उसने बोला कि यहाँ पर डिक करना है. शंकर कहता है आर यू श्योर, तुमको यहीं पर ही करवाना है. तो जैन तो कहता है, ऐसे करके उसने साइलेंटली नॉट किया. शंकर कहता है हाउ मच डिड यू डिग, तुमने उस समय जब तुमने बरी किया होगा तुमने कितना डिग किया होगा. तो वो कह रहा है एटलीस्ट 8 inches मैंने डिग किए थे, क्योंकि डॉल को हम ऐसे करके, अगर ये जो डॉल है ये मेरी प्यारी डॉल, ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके नहीं डिग करेंगे, हम उसको हॉरिजॉन्टली लेटा करके डिग कर, सॉरी बरी करेंगे. तो द गार्डनर स्टार्टेड डिगिंग, द मैन हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर. अब मैन के अंदर बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर था. ही लिफ्टेड हिज स्पेड, उसने अपनी स्पेड को जब लिफ्ट किया, ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ हिडन ट्रेजर. तो उसने सोचा कि क्या, उसने पूछा, गार्डनर ने पूछा कि क्या यहाँ पे कोई हिडन ट्रेजर भी है, कोई खजाना है इस ग्राउंड के अंदर, और अगर है
तो क्या वो प्रिपेयर्ड है, क्या वो तैयार है कि भाई अगर हम ये खजाना खोद रहे हैं तो मुझे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। मुझे आई हैड टू लाफ एट दिस, मुझे हंसी आ गई। बट जयंतो का जो फेस था डिड नॉट रजिस्टर इवन अ स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ अम्यूजमेंट। बट जयंतो का जो फेस था उसपे जरा सा ट्रेस कह सकते हो, निशानी ऑफ एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट नहीं झलक रहा था। ही वॉज नॉट हैप्पी एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिम। मंथ ऑफ अक्टूबर था, नॉट एट ऑल वार्म एंड बूंदी, येट फिर भी जो कॉलर ऑफ जैंतो शर्ट था इट वॉज सोक्ड विथ स्वेट, क्योंकि उसको ही वॉज अफ्रेड, वो घबरा रहा था कि भाई बड़ी डिग करेंगे तो क्या ही निकलेगा। वो ग्राउंड को एकदम अनब्लिंकिंगली देख रहा था बिना पलक झपकाए। द गार्डनर कंटिन्यू टू डिग, वाई वॉज देयर नो साइन ऑफ द डॉल। अब वहां पर कोई साइन ऑफ डॉल तो था ही नहीं। अ रॉकस क्राई, हार्श क्राई कह सकते हो, पिकॉक मेड मी टर्न माई हेड फॉर अ मोमेंट। एक बहुत हार्श क्राई है पिकॉक की, और मैं उसी तरफ जहां पे पिकॉक की आवाज आ रही वहां मैं देखने लगा। उसी समय जैंतो ने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज साउंड किया, आवाज निकाली। आई क्विकली लुक्ड एट हिम, मैंने फिर दोबारा से वापस अब जहां मैं देख रहा था वहीं पे मैंने देखा शंकर। हिज आईज वॉज बल्जिंग। बल्जिंग आईज कौन सी होती है? ये वाली ऑब्वियसली, जो बहुत ज्यादा आईज जो है वो बाहर निकल आती हैं। दीज आर बल्जिंग, हैरान हो जाना, ठीक है? तो उसकी आईज होती दे वर बल्जिंग। ही रेज हिज हैंड, उसने अपना हैंड उठाया और वहां पर जहां होल है ऐसे करके उसकी तरफ पॉइंट किया विद अ फिंगर दैट वाज विजिबली ट्रेम्बलिंग, ऐसे करके वो कपकपा रही थी, दिख रहा है कि कपकपा रही थी। देन ही आस्क्ड इन अ वॉइस टर्न्ड होर्स, वो वॉइस जो बहुत ज्यादा रफ और हार्श हो रही गई। आप जब चिल्लाते हो, डर से चिल्लाते हो ना, तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा रफ हो जाती है। उसने कहा ये क्या है, व्हाट इज दैट? द स्पेड स्लिप्ड, गार्डनर जो वो स्पेड पकड़ा था वो भी उसके हैंड से ऐसे करके स्लिप हो गई। आई टू गेप्ड वाइड ओपन, आई वॉज ओपनिंग माई आईज, मैं भी उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा था। ओपन माउथेड इन हॉरर, डर से देख रहा था जो निकला था उस होल में से। आई वॉज अमेज्ड, सरप्राइज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वहां पर हम लोग की फीट पे डस्ट में कवर हो करके देयर वॉज लाइंग अ फ्लैट, लाइंग फ्लैट ऐसे करके लेटा पड़ा हुआ। ऑन इट्स बैक अ 12 इंच लॉन्ग प्योर वाइट परफेक्ट लिटिल ह्यूमन स्केलेटन। ओके, नाउ दिस एंड्स योर स्टोरी। द स्टोरी सेज कि लास्ट में व्हेन शंकर हैड अ बिलीफ कि डॉल को जहां हमने बरी किया है वहां पे मुझे डॉल ना सही, डॉल का कुछ हिस्सा, सब कुछ मान लो खराब हो गया हो, तो हो सकता है कि कुछ मेटल के चीजें मिलेंगी, क्लूज मिलेंगे जिससे पता चलेगा कि डॉल वॉज बरीड है। बट एक्चुअली व्हाट केम आउट, उतना ही भाई। फ्रिट्स, हम लोग ने फ्रिट्स के बारे में क्या पढ़ा था कि फ्रिट्स भी तो 12 इंच लॉन्ग थी, ठीक है? और 12 इंच इन द सेंस कि जो आपकी बिग वाली स्केल होती है उतनी बड़ी, उतनी बड़ी, इतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी स्केल होती है। और उतना ही बड़ा एक ह्यूमन स्केलेटन केम आउट ऑफ दैट एरिया। नाउ अब इसका एंड आप कैसे रख सकते हो? दिस कुड बी टर्म्ड एज सुपर नेचुरल, समथिंग दैट वॉज रिलेटेड टू सुपर नेचुरल। हो सकता है कि वो जो डॉल हो वो एक्चुअली ह्यूमन हो, वो एक्चुअली समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन हो, सुपर नेचुरल हो। उसी समय वो सुपर नेचुरल हो जिस समय ही गॉट हिम, ये भी हो सकता है। इट वॉज नाउ द वॉट वॉज एंड, इट वॉज हॉरिफाइंग, ठीक, हॉरिफाइंग। इट वॉज ग्रिंसली, ओके। अब इट कुड बी, नाउ दीज आर द थिंग्स जो आप इसमें यूज कर सकते हो व्हेन यू विल रीड इट। अब एक और चीज इसमें हो सकती है कि इट कुड बी एब्जर्ड और समथिंग वी कैन से इन अ बेटर लैंग्वेज कि ये एक एब्रप्ट एंडिंग देता है।
रीडर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट कुड बी द थिंग्स. हो सकता है कि ये किसी ने प्रैंक प्ले किया हो सकता है कि यहाँ पर वही बरी फ्यू इयर्स लेटर कुछ और बरी किया हो. तो एनीथिंग कुड बी देयर, दिस इज अप टू यू, आप उसका क्या ही कंक्लूजन निकालते हो. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. कुछ नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम डीबा क्लासेस. आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव लाइक्ड दिस स्टोरी, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.